विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा तक मार्च किया। हुड्डा ट्रैक्टर पर सवार होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा पहुंचे। आसमान छू की डीजल की कीमतों का सांकेतिक तौर पर विरोध करते हुए ट्रैक्टर को स्टार्ट करने की बजाय विधायकों ने उसे रस्से से खींचा। नेता प्रतिपक्ष ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे और कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर को खींच रहे थे। सभी विधायकों ने रसोई गैस के बढ़ते दामों, पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों और कमर तोड़ महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान जब गैस सिलेंडर की कीमत महज 347 रुपए थी, उस समय बीजेपी नेता सिलेंडर उठाकर प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज सिलेंडर की कीमत 850 रुपए होने पर उन्हीं नेताओं की जुबान पर ताले लग गए हैं। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से अन्य चीजों के दाम पर भी असर पड़ रहा है। डीजल का दाम बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है, इससे खेती की लागत बढ़ गई है। ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ने से उपभोग की हर वस्तु महंगी होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि रोज रोज बढ़ते दामों से आम आदमी त्रस्त हो चुका है। महंगाई ने हर परिवार की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना महामारी, आर्थिक मंदी और महंगाई की मार झेल रही जनता को सरकार राहत दे। हल्ला बोल हरियाणा।